उज्जैन के शासकीय हॉस्पिटल चरक में दो नर्स ड्यूटी करती है और शासकीय हॉस्पिटल में उपचार कराने के लिए आए हुए मरीजों की देखरेख में लगी रहती है। इन दोनों नर्सों की आपदा में मोटा मुनाफा कमाने का लालच इन दोनों नर्सों के मन में आ गया और मरीजों को मिलने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन न लगाकर इन इंजेक्शनों को चोरी चुपके अपने साथी युवक की मदद से मोटा मुनाफा कमाकर बेच दिया करती थी। उज्जैन पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी और नर्स और उसके साथी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस ने इनके ऊपर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं गिरफ्तार हुई नर्स और युवक साथी ने बताया कि हम कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए जो इंजेक्शन मिलते थे इलाज में उपयोग करने के लिए, उनमें से कुछ इंजेक्शन मौका पाकर बचा लेते थे और फिर इन्हें चोरी चुप कर बेच देते थे। अपने साथी की मदद से पहले इन नर्स और उसके साथियों ने लाखों रुपये के इंजेक्शन बेच चुके हैं। अब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और थाने पर पूछताछ की जा रही है पूरे मामले की। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।